हिंदी साहित्य और शोध से जुड़े आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा एको क्रिटिसिज्म अथवा पर्यावरण विमर्श। शोधार्थियों के मन में ये शंका होगी कि प्रकृति का वर्णन तो मानव कई सालों से करता आ रहा है, जैसे जब से मानव ने अपने विचारों को भाषा द्वारा व्यक्त करना शुरू किया है तभी से प्रकृति के बारे में वो वर्णन करता आ रहा है। तो उस प्राकृतिक वर्णन में जैसे हमारे छायावादी कवियों ने किया, जो रोमांटिसिज्म के एज में नेचर लविंग पोएट्स थे, उनके वर्णन और आज की ये जो पर्यावरण विमर्श के नाम से एक अलग मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है? और फिर इस प्रकार पर्यावरण को लिटरेचर में एक स्थान देने से क्या विकास के नाम पर आधुनिक होने की दौड़ में जो मानव प्रकृति का नाश करता आ रहा है उसमें कोई बदलाव लाया भी जा सकता है या नहीं? ये दो सवाल अक्सर एक जिज्ञासु पाठक के रूप में हमारे मन में उठना स्वाभाविक है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे छायावादी रचनाओं से, उसमें जो प्रकृति का वर्णन होता है, उससे कैसे पर्यावरण विमर्श अलग ठहरता है और कैसे पर्यावरण विमर्श का साहित्य में अहम स्थान पाने से हमारे सोच में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एको क्रिटिसिज्म अथवा पर्यावरण विमर्श एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है। इससे केवल लिटरेचर से संबंधित नहीं है, इसके अंतर्गत एकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, फिलोसफी है, इन सब से ये इंटरलिंक्ड है। तो क्या है ये पर्यावरण विमर्श? ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक चिंतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी हमारे लिटरेरी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उसके अंतर्गत पर्यावरण को कैसे दर्शाया गया है इसको ये एनालाइज करता है और इन रचनाओं में ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप को कैसे दिखाया गया है। पर्यावरण के अंतर्गत केवल लिविंग फॉर्म्स नहीं है, उसके अंतर्गत नॉन लिविंग फॉर्म्स भी हैं, जैसे क्लाइमेट आता है या फिर पर्वत नदी, ये सब इसमें मौजूद है। तो इनको कैसे लिटरेचर के अंतर्गत, देखिए लिटरेचर आज जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा एक व्यापक फलक है, इसके अंतर्गत केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं है, लिटरेचर कल्चर स्टडीज के अंतर्गत फिल्म रिप्रेजेंटेशंस आता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आता है, एडवर्टाइजमेंट्स आता है, कार्टून वगैरह आता है, आर्ट रिप्रेजेंटेशंस, ये सब लिटरेरी रिप्रेजेंटेशंस के अंतर्गत आज कहलाता है। तो इन सब में पर्यावरण को किस एंगल से परखा गया है ये एनालाइज किया जाता है पर्यावरण विमर्श के अंतर्गत। तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं 18 सेंचुरी में यूरोप का माहौल ऐसा था कि वहां के प्रमुख दार्शनिक रूसो ने नेचर को ग्लोरीफाई करते हुए कहा कि द स्टेट ऑफ नेचर इज द प्योरेस्ट एंड द बेस्ट फॉर्म, द सिविलाइजेशन इज करप्ट एंड आर्टिफिशियल। जो सभ्यता है वो आर्टिफिशियल है लेकिन जो नेचर है वो एकदम बेस्ट फॉर्म है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। ये उस समय की सोच थी 18 सेंचुरी में, तभी उस समय के महान दार्शनिक ने रूसो ने ऐसा व्यक्त किया। लेकिन हम देखते हैं 18 सेंचुरी के उत्तरार्ध में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उदय हुआ, औद्योगिक क्रांति के आने से प्रकृति और पर्यावरण की ओर जो मानव की सोच थी उसमें बड़ी मात्रा में अंतर आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने अपने आप में ही पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। उत्पाद का इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ जाना कि पर्यावरण का नाश एकदम सुनिश्चित था। और 19 सेंचुरी तक आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ दो और खतरनाक चीजें जुड़ गई। एक तो था कॉलोनाइजेशन अथवा उपनिवेशवाद और दूसरा पूंजीवाद अथवा कैपिटलिज्म। ये दोनों पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुए। पूंजीवाद अथवा कैपिटलिज्म में
प्रकृति को भी एक पूंजी के समान माना गया, मतलब उसके भरपूर शोषण करने लायक, प्रकृति को जितनी मात्रा में हो सके शोषण करना मानव ने अपना मानव जिम्मा मान लिया। और कॉलोनाइजेशन उससे एक हद आगे खतरनाक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपनिवेशवाद में उपनिवेशक ने अपने कॉलोनी के साथ साथ वहां के नेटिव्स को भी नेचर का एक अंग माना। दोनों नेचर और नेटिव्स को कॉलोनाइजर ने प्रिमिटिव, सैवेज, जंगली, बर्बर आदि माना, और कॉलोनाइजर ने अपना जिम्मा मान लिया कि ये जो नेटिव्स हैं और नेचर हैं दोनों को लूटना उन्होंने अपना हक मान लिया। और वहीं से पर्यावरण का डिग्रेडेशन शुरू हुआ बड़ी मात्रा में। तो हम देखते हैं क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 1970s में, ठीक से कहें तो 1973 में, आर्मी नेस्से नामक एक चिंतक ने, एक दार्शनिक ने डीप इकोलॉजी नामक कॉन्सेप्ट, एक दर्शन को सामने रखा। आर्मी नेस्से ने 1973 में डीप इकोलॉजी में एकदम से ये व्यक्त कर दिया कि किसी भी हालत में अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी हालत में प्रकृति का नाश मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्होंने एकदम से स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और उसके फलस्वरूप यूरोप में बहुत से वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन ऐसे एक्ट हुए और बहुत से नियम बनाए गए, जिसके फलस्वरूप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर ध्यान दिया गया, नेचर कंसर्व करने के लिए बहुत से स्टेप्स उठाए गए। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1980s में अर्थ फर्स्ट मूवमेंट, वो भी एकदम रेडिकल मूवमेंट था, जिन्होंने मदर अर्थ के लिए, उसके जो डिफेंस के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अर्थ फर्स्ट मूवमेंट 1980s में उभर कर सामने आया। लेकिन उस समय का सीन ऐसा था कि एकोसेंट्रिक होना मानव के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आधुनिकता ग्लोबलाइजेशन के दौर में मानव एकदम एंथ्रोपोसीन, एक टर्म है जो आपको समझना है, एंथ्रोपोसीन में उस समय ऐसा था कि ह्यूमन पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन को सबसे अधिक स्थान दिया गया, वो केंद्र में था। तो एंथ्रोपोसीन के अनुसार बाकी सभी जीव जंतुओं से मानव सबसे श्रेष्ठ है, और मानव का हक बनता है कि वो दूसरों को शोषण करे, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म है, क्योंकि मानव में चिंतन प्रक्रिया की जो शक्ति है, रैशनैलिटी थी। और कई दार्शनिक इसे क्रिश्चियन थियोलॉजी से जोड़कर भी देखते हैं। बाइबल में जेनेसिस चैप्टर में जो ह्यूमन मैनकाइंड का जो जन्म के बारे में जो मुद्दा उठाया गया है, उसमें कहा जाता है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज सो दैट ही कैन डोमिनेट द होल वर्ल्ड। तो इस क्रिश्चियन थियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए लोगों का कहना है कि इसी के फलस्वरूप मानव ने यह मान लिया कि बाकी सभी जो गॉड के क्रिएशंस थे उनमें वो ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है, और अपनी इस सुपीरियरिटी के कारण वो बाकी सभी लाइफ फॉर्म्स को एकदम अपने से निम्न स्तर का समझने लगा और उसका शोषण भरपूर रूप से करने लगा। लेकिन ये डीप इकोलॉजी वालों के आने के बाद, अर्थ फर्स्ट मूवमेंट के आने के बाद, इस प्रकार के एंथ्रोपोसेंट्रिक जो थॉट है उससे हटकर एकोसेंट्रिक होने पर जोर दिया जाने लगा। एकोसेंट्रिक मतलब जो अर्थ केंद्रित है, बायो सेंट्रिक है, मतलब कि जो बाकी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सभी इक्वल हैं, उनका भी हक बनता है, ह्यूमन उनमें से एक है, केवल एक है, ह्यूमन के लिए कोई खास सुपीरियरिटी नहीं है, एकोसेंट्रिक ये बताता है। हमारे भारतीय दर्शन में हम देखेंगे कि जो भी रामायण है, महाभारत है, हमारी जो भी इंडियन मिथोलॉजी है, वेद है, पुराण है, सभी में प्रकृति और मानव का सहवास रहा है, सभी जीव जंतुओं के साथ मानव का भी समान रूप से, हमारे जो भगवान है वो सभी प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे और बाकी जीव जंतुओं से ममता प्यार रखने वाले थे। तभी हमारे यहाँ जब वृक्षों को काटा जाता है तो उससे पहले हम वृक्षों में रहने वाले पक्षी जीव जंतुओं से क्षमा मांगने की हमारी प्रथा है।
या फिर जब जब भी कोई वन काटा जाता है तो हमारे यहाँ चिपको मूवमेंट तभी हुआ, नारी जुझाकर उन पेड़ों से चिपक जाती है। प्रकृति से हमारा अभेद्य संबंध रहा है। बुद्धिज्म में भी ह्यूमंस और एनिमल्स को एक ही स्थान दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में जो डीप एकोलॉजी 1970s के आसपास शुरू हुआ, फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1980s में अर्थ फर्स्ट मूवमेंट हुआ, फिर ग्रीन स्टडीज की शुरुआत हुई। लेकिन थर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटलिज्म इससे थोड़ा अलग सिद्ध हुआ। हमारे यहाँ के हिस्टोरियन जो फेमस रामचंद्र गुहा जी हैं, उनका कहना है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जो माहौल है उसमें और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज जो गरीब देश हैं उसका माहौल थोड़ा अलग है। यूरोपियन कंट्रीज में रोटी कपड़ा मकान इनकी जो बेसिक नीड्स हैं मानव के वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेस ज़्यादा है, तो वहाँ डीप इकोलॉजी जैसा दर्शन मुमकिन है। लेकिन हमारे यहाँ जो गरीब नेशंस हैं वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए वृक्षों का काटा जाना कुछ हद तक जरूरी सा है। तो थर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हम कहते हैं कि यहाँ उतने स्ट्रिक्ट तरीके से जो मॉडर्निटी का जो जैसे हम यहाँ के आदिवासियों को खदेड़ कर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस का बाउंड्री खींचते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया जाता है, तो वो यहाँ मुमकिन नहीं है। ये आधुनिक बनने का ये जो तरीका है एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना और वहाँ के आदिवासियों को खदेड़ कर ये हक उनको देना, ये हमारे माहौल में ठीक नहीं ठहरता। तो ये हुई थर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटलिज्म। उसके बाद एको फेमिनिज्म एक ऐसा पद है जो आपको ध्यान रखना है। एको फेमिनिज्म में नारी और नेचर को दोनों को फेमिनिन समानता दोनों में समानता पाया गया है, दोनों में प्रजनन की क्षमता है, दोनों में सबको सब कुछ निस्वार्थ भाव से देने की भावना है और मनुष्य खास करके पुरुष इन दोनों का शोषण करना अपना हक मानता है। प्रकृति पर भी वो उसी तरह शोषण करता है जैसे वो नारी पर शोषण करता है। यही एको फेमिनिज्म वाले कहते हैं कि पुरुष अपने जो मस्कुलिनिटी है अपना पुरुषत्व दिखाता है प्रकृति पर वार कर कर, उसी प्रकार नारी पर इसको हटाया जाना चाहिए। ये एको फेमिनिज्म कहते हैं कि नारी और नारी द्वारा किया जाने वाला जो डोमेस्टिक हेल्प है उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार नेचर द्वारा दिए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन्हें भी मानव एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड करके लिया जाता है और दोनों का भरपूर शोषण करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे डीप इकोलॉजी से शुरू होकर थर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटलिज्म और एंथ्रोपोसीन, कैसे एंथ्रोपोसीन में ह्यूमन को सेंटर में रखा जाता है और वहां से एको सेंट्रिक होने की मांग हुई, जहां मानव केवल एक जीव जंतु है उसका दूसरे जीव जंतुओं के समान ही हक बनता है, और उसके बाद एको फेमिनिज्म। तो हम आगे देखेंगे कैसे हिंदी की साहित्यिक रचनाओं में एको जो क्रिटिसिज्म है अथवा जो पर्यावरण विमर्श है उसके मुद्दे कैसे उठाए गए, कौन कौन से साहित्यकार ऐसे हैं जो इस पॉलिटिकल एजेंडा को भरपूर रूप से कायम करने के लिए पर्यावरण विमर्श पर जोर देकर रचनाएं लिख रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमको देखना है हिंदी साहित्य के एक शोध छात्र होने के नाते कैसे पर्यावरण विमर्श का जो आप टॉपिक लेंगे तो उसमें आपको इन सब का जिक्र करना है अपने चैप्टर में, जैसे डीप इकोलॉजी है उसके बारे में डिटेल से कहना है, फिर थर्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटलिज्म, फिर एको फेमिनिज्म, इस प्रकार के जो भी पर्यावरण विमर्श से जुड़ा हुआ है उस पर आपको जिक्र करना है। और हिंदी साहित्यिक रचनाओं की ओर जाएं तो हम पाएंगे आप वीरेंद्र जैन जी की रचनाएं लें, उसमें उनका जो डूब उपन्यास है उस एकमात्र रचना को आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे पर्यावरण विमर्श केंद्रित है वो रचना। वीरेंद्र जैन ने बड़ी बेबाकी से लिखा है कि ये जो आधुनिक होने के दौर में विकास के उस रास्ते को
एकमात्र रास्ता मानना किस हद तक खतरनाक सिद्ध हुआ है। और उनका नायक माते एकदम से विकास के उस रास्ते को एकमात्र रास्ता मानने से इनकार करते हुए विकास के उस रास्ते को थूकता है, उस रास्ते पर थूकता है। ये एक नया मोड़ था जहां आधुनिकता के दौर में लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर जाना अपना परम धर्म मानते थे, वहीं वीरेंद्र जैन जी ने उस गांव का प्रतिनिधि बनकर जहां बांध बने जाने के कारण वहां के सैकड़ों लोगों को उनकी जमीन से उखाड़ा जाता है और कैसे विकास के नाम पर एक जगह बांध बन रही है शहरों को बिजली पहुंचाने के लिए और दूसरी तरफ एक गांव पूरा उजाड़ा जाता है और कैसे बाढ़ में वो डूब जाता है वो पूरा गांव, और कैसे मीडिया में ये फैलता है कि सारे लोगों को पहले से वहां से हटा दिया गया है, जबकि ये एकदम गलत बात थी, सत्य नहीं था। तो ये खुलकर वीरेंद्र जैन जी अपने रचना में कहते हैं, कहां एक जमाने में बड़ी सड़कें, बड़े शहर, बड़े अस्पताल, इनका स्वप्न देखकर मानव जीता था, और कहां आदमी कहने लगा है कि धरती बचेगी तो हम बचेंगे। तो ये आज हम देख रहे हैं, आज हम दिल्ली की जो अवस्था है वो दिन दूर नहीं जब हमारे यहाँ भी यही नौबत आएगी, जब दिवाली मनाने में लोगों को डर लगने लगेगा। तो अगर हम आज से ही इस पर सही रूप से चिंतन न करें, चिंतन मनन और उस पर लागू न करें, बहुत से क्रिटिकल स्टेप्स ऐसे हैं जो हम बेकार में, फिजूल में प्रकृति पर उसका शोषण करते आ रहे हैं, पोल्यूशन करते आ रहे हैं। अगर मानव ये नहीं रोकेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें भी मास्क लगाकर घूमना पड़ेगा। जो शुद्ध वायु हमें मिली है वो अगले जनरेशन के लिए हम दे पाएंगे या नहीं, ये सोचने लायक बात है। और एक लेखक हैं संजीव, संजीव की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही शोध पर, उन्होंने शोध करके आदिवासियों के जीवन के बारे में, जो कोल माइंस है वहाँ बड़ी मात्रा में आदिवासियों को खदेड़ कर उनके शांति को भंग करके कैसे लालच में मानव ये जो खनन प्रक्रिया में लगा रहता है और उनके दुख को, वो उनका एक एजेंडा है, वो पर्यावरण विमर्श के अंतर्गत आता है। कोल मतलब ये जो है एक नॉन लिविंग फॉर्म है, उसको एक उत्पाद के रूप में कैसे मानव अपने लालच के कारण उसका खनन करता है और आदिवासियों को कैसे उदेड़ा जाता, उखड़ कर उनके अपने जमीन से उन्हें भगाया जाता है। सावधान नीचे आग है उनकी जो रचना है, कई रचनाएं हैं संजीव की, जो भी रचनाएं आप लेंगे सभी एकदम शोध पर रचनाएं, मतलब कि लगन लगाकर वहां जाकर रहकर उन्होंने उस पर लिखा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, एक इस प्रकार की शोध अगर आप करेंगे तो वो समाज के लिए भी उपयोगी होगा, सरकार के लिए भी कुछ स्टेप्स कदम उठाने के लिए लाभदायक सिद्ध होगा आपका शोध। आपके अपने लोकल एरिया में जो भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, हर एक एरिया के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, कहीं रेडिएशन के कारण दुख पहुंचा जा रहा है तो कहीं पेस्टिसाइड्स के उपयोग के कारण, हमारे केरल में है एंडोसल्फान की जो एक स्थिति है पेस्टिसाइड की यूज के कारण, तो कहीं रेडिएशन के कारण। एक फिल्म निकली थी जो रोबोट, जो यंद्रन का पार्ट टू निकला था, उसमें ये जो रेडिएशन के कारण बड़ी मात्रा में पक्षियों का मरना, जो रेडिएशन टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स हैं, वो पूरी फिल्म उस पर केंद्रित है। तो इस प्रकार के जब रिप्रेजेंटेशंस आते हैं तो मानव के मन में चिंतन प्रक्रिया की जो सोच में बदलाव आता है, यही पर्यावरण विमर्श का अंतिम उसका जो लक्ष्य है। और भी कई जैसे मैराइन रिसोर्सेस हैं, फिर नदियों से मिट्टी का अशास्त्रीय ढंग से खोदा जाना, तभी चार दिन लगातार बारिश न हुई कि बाढ़ आने की नौबत आ जाती है, फिर पर्वतों का खोदा जाना, प्रकृति को इस प्रकार मानव शोषण करता है, और तभी जब भूकंप आता है तो बड़े मायने में नाश होता है।
फिर मरीन रिसोर्सेस की बात ही अलग है। सागर में इतने सारे ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, मतलब कि ये जो शिप है वहां से जो ऑयल स्पिल होता है, बड़े मात्रा में मरीन रिसोर्सेस का नाश होना। जहां जहां मानव ने कदम उठाए हैं वहां वहां मानव प्रकृति का नाश करता आ रहा है। आप ठीक से सोचें तो मानव के अलावा कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो इस प्रकार पर्यावरण का नाश कर रहा है। कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है, कोई भी जंगली जानवर ऐसा नहीं है जो प्रकृति का नाश इस हद तक करता आ रहा है। तो आपके इस विषय पर्यावरण विमर्श के विषय से आशा करती हूँ समाज के लिए भी और हमारी सोच बदलने में भी आपका शोध बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो जो भी शोधार्थी पर्यावरण विमर्श पर जुड़े हुए हैं, लगे रहिए, डटे रहिए। और अगर आप किसी हद तक मेरे इस चैनल से प्रभावित हुए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते एक अलग विषय लेकर फिर मुलाकात होगी।